नमस्कार दोस्तों, हम सबके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो कि हमको कभी भी पता नहीं चलता है या फिर हम पता करने का कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो आज का वीडियो है, ये स्टोरी आप देखने के बाद आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है आपको जरूर पता चलेगा। ये स्टोरी स्टार्ट होता है एक जंगल में, एक शेरनी है, एक लायन है, लेकिन वो बुढ़ी हो गई है, अभी मरने वाली है, उसकी आखिरी स्टेज में है वो, और उसके पास उसका छोटा सा एक बच्चा है, एक छोटा लायन का कब है, छोटा बच्चा है, और मरते मरते वो इस जगह पर मर रही है जहां पे बहुत सारे सीप है, भेड़ है, वहां पे बहुत सारे भेड़ है, वहीं पे वो अपनी आखिरी सांस लेती है। जब वो मर जाती है, जो भेड़ है वो भी वही रास्ते में क्रॉस करके अपने घर को जा रहे हैं, तभी क्या होता है, वो जो छोटा सा बच्चा है, लायन का छोटा सा बच्चा है, उसकी मां तो मर गई है, वो भी उनके साथ साथ चला जाता है। जो भेड़ का जो ग्रुप है उनके साथ वो भी चला जाता है। उसको लगता है यही मेरा ग्रुप है, यही मेरा फैमिली है, तो उसके साथ वो चला जाता है। ऐसे ऐसे दिन बीतता जाता है, भेड़ जो कि घास खाते हैं उसके साथ ये जो लायन का बच्चा है ये भी घास खाने लगता है। उसको पहले पहले सही नहीं लगता था घास खाना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने घास खाना भी स्टार्ट कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो शेर है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, और भेड़ जो ग्रुप है, भेड़ का ग्रुप है, उनके साथ वो रहने लगा। लेकिन दिन बीतता गया, वो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा से बहुत बड़ा हो गया, और वो समझता था कि जो भेड़ का ग्रुप है ये मेरा फैमिली है, इनका केयर करना मेरा काम है, और उनके साथ मुझे रहना है, आगे मुझे फैमिली भी उनके साथ बनाना है, मतलब अपना लाइफ पूरा उनके साथ बिताना है, ये उसके दिमाग में है, उसको पता है, वो भी एक भेड़ है बोल के। तो एक दिन क्या होता है, जंगल में और एक लायन आता है और एक शेर आता है, और वो शेर क्या करता है, शिकार करने के लिए ये जो भेड़ है, ये जो ग्रुप है, उनको अटैक करता है। तो जब अटैक करने के लिए आया तो देखा उसके अंदर एक शेर भी है, तो उसको समझ में नहीं आया, भेड़ का जो ग्रुप है उसके अंदर एक शेर भी है, लेकिन वो शेर भेड़ बकरियों, भेड़ जो है उनको अटैक नहीं कर रहा है, उनको खा नहीं रहा है, उनके साथ भी वो घास खा रहा है। तो उसको बात बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर क्या किया उसने, उसने वो जो शेर है जो घास खा रहा था भेड़ के साथ, भेड़ का जो ग्रुप के उनके साथ, उसको अटैक किया। तो वो जो शेर है वो भी भागने लगा भेड़ों के साथ, भेड़ जहां जा रहे थे वो भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था, और उनके पीछे जो नया वाला शेर जंगल में आया है वो उसको भगा रहा था। तो ऐसा जगह आया जहां पे वो शेर और कहीं जा नहीं पाया, तो वो क्या है, रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा, मुझको मत मारो, मैं मर जाऊंगा, तुम अगर मारोगे मुझे छोड़ दो। तो ये जो शेर है ये उसको बोला, तुम्हें मैं क्यों मारूंगा, नहीं मैं भी भेड़ हूं, तुम मुझे खा जाओगे मार के। तो ये शेर को समझ में आ गया पूरा स्टोरी क्या है, क्यों ऐसा बोल रहा है, उसको पूरा समझ में आ गया। तो ये जो नया वाला शेर आया था वो क्या किया, उसको जबरदस्ती एक बाजू में तालाब था वहां पे लेने के लिए उसको ट्राई किया, लेकिन वो जाने के लिए नाराज था, बिल्कुल डर रहा था, नहीं जा रहा था, फिर भी ये उसको जबरदस्ती तालाब के पास लेके गया। तालाब के पास जब लेके गया ये सोचा मुझे तालाब में शायद डुबा के मार देगा, लेकिन जो नया वाला शेर है वो उसको क्या बोला, तालाब में जाके पहले अपना मुंह देखो, अपना फेस जो है वो तालाब के पानी में देखो, तुम क्या हो बोल के, और मेरा फेस देखो और तुम्हारा फेस देखो।
तो वो क्या किया, आहिस्ते से तालाब के पानी के पास गया। जब अपना फेस वो तालाब के पानी में देखा तो उसको पता चल गया मेरा फेस जो है ये नया वाला जो शेर आया है उसका फेस भी सेम है। तो उसको समझ में आ गया मैं भेड़ नहीं हूं, मैं एक लायन हूं, एक शेर हूं। ये जो नया वाला शेर आया है इसका फेस मेरा फेस दोनों का फेस सेम है, उसका मतलब हम दोनों एक ही जात के हैं। हमारा काम है शिकार करना। लेकिन इतना दिन से मैं सोच रहा था मैं एक भेड़ हूं, क्योंकि उनके जो ग्रुप है भेड़ का जो ग्रुप है उनके साथ सीप का जो ग्रुप है उनके साथ वो रहता था, इसीलिए उसको समझ में आ गया मैं भी एक भेड़ हूं बोलकर। लेकिन जब उसने पानी में अपना मुंह देखा और नया वाला शेर का फेस देखा तो समझ में आ गया मैं ये प्रजाति का नहीं हूं, मेरा जात अलग है, मेरा जो हैबिटेट है वो अलग है, मेरा नेचर जो है अलग है। तभी वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और अपना जो काम है, क्या काम है उसका, शिकार करना, जंगल के ऊपर राज करना, वो उसी दिन से स्टार्ट कर दिया। तो ये स्टोरी से हमको क्या पता चला दोस्तों, ये पता चला हम अगर जो भेड़ है उनके साथ अगर हम रहेंगे, उनकी तरह अगर हम सोचेंगे तो लाइफ में भी हम भेड़ की तरह ही रहेंगे। मतलब आपके अंदर का जो क्वालिटी है, जो टैलेंट है, जो इनर हिडन क्वालिटी है, आपको कब पता चलेगा, जब आप रियलाइज करेंगे आपके अंदर क्या क्या हिडन टैलेंट है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप हमेशा भेड़ जैसे लोगों के साथ अगर उठते बैठते हैं, वैसे सोच वाले लोगों से अगर आप बैठते उठते हैं तो आपका सोच भी वैसे ही हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है आपके अंदर एक लायन है जो कि हिडन है और आपको उसको बाहर निकालना है। आपके अंदर जो हिडन टैलेंट है, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं है आपके अंदर जो टैलेंट है वो क्या है। इसीलिए हर चीज को लाइफ में आपको एक्सप्लोर करना है, ट्राई करना है, तब पता चलेगा आपके अंदर भी कुछ टैलेंट है। जैसे शेर के अंदर टैलेंट था लेकिन उसको बहुत दिन तक पता नहीं चला, उसको क्या पता चला, वो भेड़ है, लेकिन क्योंकि उसने अपना फेस कभी पानी में देखा नहीं था, अपने आप को पहचानने के लिए उसने ट्राई नहीं किया। वो सोचा यही मेरा ग्रुप है और मुझे घास खाना है और भेड़ के साथ रहना है। तो आपके अंदर भी हिडन टैलेंट है जिसको आपको बाहर निकालना है और उसके लिए आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है, और जितना भी आपको अच्छा लगता है चीज वो कीजिए, उसमें भी आपको मिल सकता है आपका हिडन टैलेंट। जो आप सोच रहे हैं करने के लिए उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा आपको हिडन टैलेंट। तो लाइफ आपका है, आपको एक्सप्लोर करना है ज्यादा से ज्यादा चीज और उसमें आपको मिलेगा आपका रियल हिडन टैलेंट। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही अच्छा, धन्यवाद।